नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं विदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। भाषा की दुधारी तलवार हो सकने के बारे में चेतावनी देते हुए यूनेस्को ने कहा है कि पाकिस्तानी स्कूलों में उर्दू का लगातार इस्तेमाल इस विविध जातीय मुल्क को राजनीतिक तनाव की ओर ले गया है। साथ ही इसने ये सिफारिश की है कि बच्चों को उसी भाषा में शिक्षा देनी चाहिए जिसे वे समझते हैं। मातृभाषा दिवस के अवसर पर यूनेस्को ने एक नीति पत्र जारी करते हुए तुर्की, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ग्वाटेमाला में विविध जातीय समाजों का हवाला दिया और इस बात की सिफारिश की कि बच्चों को इस भाषा में शिक्षा दी जाए जिन्हें वे समझते हैं। यूनेस्को ने शुक्रवार को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान के सरकारी स्कूलों में उर्दू भाषा को निर्देश भाषा की तरह लगातार इस्तेमाल किए जाने भी राजनीतिक तनाव को बढ़ाया है। अमेरिका की ओर से संघर्ष विराम के प्रयास किए जाने के बीच सीरिया में आईएस द्वारा किए गए बम धमाकों में कम से कम 140 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा है कि संघर्ष विराम की शर्तों को लेकर अंतरिम समझौते पर सहमति बन गई है। ब्रिटेन आधारित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि अल जहारा जिले में दोहरे कार बम हमले में कम से कम 57 लोगों की मौत हो गई। सरकारी मीडिया और निगरानी संस्थाओं ने इसकी पुष्टि की है। सरकारी मीडिया के मुताबिक दमिश्क के दक्षिणी शहर सैयदा जैनब में कम से कम 4 विस्फोट हुए जिनमें 83 लोग मारे गए। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों ने चक्रवात से तबाह हुए फिजी से निकलना शुरू कर दिया है। प्रशांत द्वीप देश में आए अब तक के सबसे शक्तिशाली तूफान में मृतक संख्या बढ़कर 17 हो गई है। सुबह में अधिकारियों ने पुष्टि की है कि शवों की संख्या तेजी से बढ़ी है। पिछली संख्या 6 थी। फिजी की राजधानी में आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ संक्षिप्त बैठक के बाद केयर प्रवक्ता ने बताया कि एयर ऑस्ट्रेलिया 17 लोगों की मौत की पुष्टि कर सकता है। भीषण उष्णकटिबंधीय तूफान वेस्टर्न शनिवार रात को आया। पाकिस्तान ने अरब सागर तट के पास अपने जल क्षेत्र का कथित उल्लंघन करने को लेकर पिछले 2 दिनों से अधिक समय में 88 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया और उनकी 16 नौकाएं भी जब्त की है। भारतीय मछुआरों को पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी MSA ने गिरफ्तार किया है जब वे लोग अरब सागर में पाकिस्तानी जल क्षेत्र में मछली पकड़ रहे थे। भारतीय मछुआरों की 16 नौकाएं भी MSA ने जब्त की है। बाद में उन लोगों को पुलिस को सौंप दिया गया जहां से उन्हें संबंध अदालतों में पेश किया जाएगा। कुल 88 मछुआरों में 40 को बृहस्पतिवार रात गिरफ्तार किया गया जबकि अन्य 48 को कल गिरफ्तार किया गया। लीबिया में खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी संगठन के ठिकाने पर अमेरिकी लड़ाकू विमानों के हमले में 43 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक त्रिपोली से 17 किलोमीटर पश्चिम में स्थित सैब्राटा में इस्लामिक स्टेट के एक ट्रेनिंग कैंप और ट्यूनिशिया के वरिष्ठ चरमपंथी नेता को निशाना बनाया गया। लीबिया की राजधानी त्रिपोली के पास अमेरिका की ओर से IS के ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए हमले में कई लोग मारे गए। यह हमला उस जगह किया गया जहां इस्लामिक स्टेट समूह के संदिग्ध सदस्य एक मकान में एकत्रित हुए थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल प्ले में जाकर EMS TV की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।